हाय गाइस, और कैसे हो आप सभी लोग। और गाइस, एप्पल का सितंबर इवेंट सिर्फ अब एक महीना दूर है, एंड इस इवेंट के अंदर आप सभी लोगों को काफी सारे नए नए एप्पल प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड कौन से नए प्रोडक्ट्स आप सभी लोगों को इस इवेंट के अंदर देखने को मिले, वो मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ मैं आप सभी लोगों को इस इवेंट की डेट भी बताने वाला हूँ कि किस डेट पे ये जो है इवेंट होने वाला है। सो मेरा नाम है सूरज, और अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपने और मैंने मिले के 15K सब्सक्राइबर्स के गोल को कंप्लीट करना है। एंड उसी के साथ बेल के नोटिफिकेशन को दबाइए जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, बिना कोई देरी हुए, लेट्स गेट इनटू वीडियो। सो गाइज, ये जो इवेंट है ना, ये आप सभी लोगों को सितंबर 14 वाली डेट को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जगह से जो रिपोर्ट्स आई है उनके अकॉर्डिंग सितंबर 14 वाली डेट को आप सभी लोगों जो है सितंबर का 2021 के एप्पल वाला इवेंट जो है वो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप सभी लोगों को इस इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा वो होने वाली है iPhone 13 सीरीज। सो आप सभी लोगों को iPhone 13 सीरीज जो है वो सितंबर के अंदर देखने को मिलेगी। क्या हुआ था कि लास्ट ईयर की iPhone 12 सीरीज जो थी वो आप सभी लोगों को अक्टूबर के अंदर देखने को मिलती ड्यू टू पैंडमिक, बट इस बार ही आप सभी लोगों जो है iPhone 13 सीरीज वो आपको सितंबर के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट, जितने भी बड़े बड़े लीकर्स हैं उनके द्वारा आई है कि iPhone 13 सीरीज में इस बार कोई भी डिले नहीं आने वाला। तो आप सभी लोगों को जो है iPhone 13 सीरीज वो आपको सितंबर 2021 के इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ बात करें कुछ फीचर्स के बारे में iPhone 13 सीरीज की, तो इसके अंदर आप सभी लोगों को स्मॉल नॉच देखने मिलेगी। उसी के साथ आप सभी लोगों को इसके अंदर प्रो रेस वाला फीचर भी देखने मिलेगा, जिससे आप सभी लोग काफी ज्यादा अच्छी वीडियोस को एडिट कर सकते हो अपने फोन से ही। एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को पोर्ट्रेट वीडियो मोड का भी ऑप्शन iPhones के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये जो फीचर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशली इन iPhones, क्योंकि ये जो फीचर था मस्ट नीडेड था। तो ये फीचर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको अगर ये फीचर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो पोर्ट्रेट वीडियो मोड वाला ऑप्शन बढ़िया लगा या फिर नहीं। उसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की, नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है एप्पल वॉच सीरीज 7। तो एप्पल वॉच सीरीज 7 भी आप सभी लोगों को इस इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर भी आप सभी लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एप्पल ने क्या किया, काफी ज्यादा समय से एप्पल वॉच सीरीज को जो है वो छुआ ही नहीं, मतलब उसके डिजाइन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जब से एप्पल वॉच सीरीज 3 लॉन्च हुई है एंड अभी तक आप सभी लोगों जो है एप्पल वॉच सीरीज 6 का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है एप्पल वॉच सीरीज 3 के डिजाइन से। तो इस साल आप सभी लोगों को एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर जो है डिजाइन वो आप सभी लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को उसके अंदर फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। उसी के साथ आप सभी लोगों को जो साइड्स होने वाले हैं वो आप सभी लोगों को इस बार फ्लैट एजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर भी आप सभी लोगों को जो है डिजाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आप सभी लोगों को एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ आप सभी लोगों को उसके अंदर S7 चिप देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू मार्क गुरमन। एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को उसके अंदर कुछ न्यू कलर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, सिल्वर एंड ब्लैक कलर आप सभी लोगों को इस एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो एप्पल वॉच सीरीज 7 भी इस बार आप सभी लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया फीचर एंड एक नए डिजाइन के साथ आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो जो लोग एक नई एप्पल वॉच बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो वॉच है काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो आपको काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को इस वॉच के अंदर काफी ज्यादा नए नए फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है एयरपॉड्स 3। तो एयरपॉड्स 3 मे भी इस इवेंट के अंदर लॉन्च हो सकते हैं, वरना ये जो होने वाले एयरपॉड्स 3 ये आप सभी लोगों को एप्पल की प्रेस रिलीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं लॉन्च। क्योंकि क्या हुआ, जितने भी एयरपॉड्स है या फिर बात करें एयरपॉड्स प्रो, एयरपॉड्स 2, ये सारे एप्पल की प्रेस रिलीज में लॉन्च हुए, तो मे भी एयरपॉड्स 3 भी जो है वो आप सभी लोगों की एप्पल की प्रेस रिलीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ एयरपॉड्स 3 का जो डिजाइन होने वाला है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करने वाला एयरपॉड्स प्रो के डिजाइन से। एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को उसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर भी देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों के एयरपॉड्स 3 जो होने वाले वो भी आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलने वाले हैं इस बारी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, वो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है iPad mini 6। पर्सनली मुझे ये जो है iPad mini 6 काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका जो डिजाइन होने वाला है वो काफी ज्यादा रिजेंबल करने वाला है iPad Air 2020 के डिजाइन से। सो आप सभी लोगों को जो है काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन देखने को मिलेगा iPad mini 6 के अंदर। उसी के साथ आप सभी लोगों को जो है बेजल्स काफी ज्यादा पतले देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट्स एप्पल काम कर रहा है
इसकी स्पेशलाइज पेंसिल के ऊपर, तो जो पेंसिल भी होने वाली है वो भी काफी ज्यादा छोटी होने वाली है। तो पर्सनली मुझे जो है ना आईपैड मिनी 6 काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके अंदर आप सभी लोगों को A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल सकती है, एंड उसी के साथ आप सब लोगों को टच आईडी भी देखने मिलेगी। तो काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया फीचर्स आप सभी लोगों को आईपैड मिनी 6 के अंदर देखने मिलने वाले हैं, एंड उसी के साथ इसके कैमरा के अंदर भी आप सभी लोगों को जो है इंप्रूवमेंट इस बार देखने को मिलेगी। तो मुझे जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा पसंद आया, अगर आप सभी लोगों को ये जो डिजाइन है पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मे भी अगर ये जो प्रोडक्ट है एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ तो मे भी मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लूं, एंड आप सभी लोगों को चैनल के ऊपर फिर इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आप सभी लोग डेफिनेटली देखने मिलेगा। बट अगर इसका प्राइस पॉइंट एक अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को मैं बाय कर लूंगा। सो ये जो है काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट, एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को ये जो आईपैड मिनी 6 होने वाला है काफी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर के साथ मिलेगा। सो आप सभी लोग बता दीजिए, जैसे कि A15 बायोनिक चिपसेट होने वाली है जो आईफोन 13 सीरीज को पावर करने वाली है, वही चिप में भी आप सभी लोगों को आईपैड मिनी 6 के अंदर देखने को मिल सकती है। तो परफॉर्मेंस जो लेवल होने वाला है वो आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलने वाला है इस बार के आईपैड मिनी 6 के अंदर। उसी के साथ हम बात करें आईपैड 9th जनरेशन की, तो आईपैड 9th जनरेशन इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला, थोड़े बहुत डिजाइन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट डेफिनेटली आपको उसके अंदर जो है प्रोसेसर आप सब लोगों को एक अपग्रेडेड वाला देखने को मिलेगा, और कुछ आपको ज्यादा उसके अंदर जो है डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलने वाला, एंड कोई भी बदलाव उसके अंदर ज्यादा नहीं किए जाने वाले। तो मुझे जो है ना ज्यादा एक्साइटमेंट वो आईपैड मिनी 6 की है, अगर आप सब लोगों को भी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जरूर। सो गाइस अब हम बात करते हैं मैकबुक प्रो M1X की, तो ये जो होने वाला ना प्रोडक्ट ये मे बी इस इवेंट के अंदर ना लॉन्च होके मे बी आपको एक डिफरेंट इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क गुरमन जिनकी जो है एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई है, उन्होंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है वो आप सभी लोगों को एंड ऑफ ईयर देखने को मिल सकते हैं, मे बी नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर आप सभी लोगों को जो है ये प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। सो पहले क्या आ रहा था काफी ज्यादा लीक्स आई सेप्टेंबर के अंदर आएगा, बट अभी जो न्यू लीक्स आई है उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट है ये आप सभी लोगों को एक डिफरेंट एप्पल के इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, और मे बी आप सभी लोगों को आईपैड 9 जनरेशन उसी के साथ देखने को मिल सकता है। आईपैड मिनी 6 में भी पहले लॉन्च हो जाए एंड आईपैड 9 जनरेशन जो है वो बाद में लॉन्च किया जाए एप्पल वालों के द्वारा। उसी के साथ मैकबुक प्रो जो होने वाली है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मे बी आपको M1X या फिर M2 चिप देखने को मिल सकती है, एंड उसी के साथ आप सभी लोगों को जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो आप सभी लोगों को मिनी LED वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो आप सभी लोगों को आईपैड प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेगी, एंड जो प्रोसेसर होने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल ही आप सभी लोगों को इस प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो जितने भी लोग M1X मैकबुक प्रो का इंतजार कर रहे हैं तो उन सभी लोगों को थोड़े से और समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली जो आप सभी लोगों का इंतजार रहने वाला है वो काफी ज्यादा वर्थ इट रहने वाला है, क्योंकि ये जो डिवाइस होने वाला है वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा एप्पल वालों की तरफ से। सो गाइस ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो आप सभी लोगों को सेप्टेंबर इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले 2021 के। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर टू वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर नए तो मेक श्योर टू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसी के साथ बेल के नोटिफिकेशन को दबाई जरूर, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद।